नगर रेहटी में बुधवार को लगने वाले हाट बाजार के समस्याओं को लेकर मंगलवार नगरवासी व व्यापारियों द्वारा ज्ञापन रेहटी तहसीलदार को सौंपा गया। बुधवार को नगर रेहटी में हाट बाजार भरता है, जिसमें दूर दूर से गांव के लोग सब्जी व अन्य सामग्री खरीदने रेहटी पहुंचते हैं, लेकिन यहां लगने वाला हाट बाजार तंग गलियों में लगता है, जिससे बाजार में मोबाइल चोरी सहित अन्य घटनाएं घटित हो रही है। इसी को लेकर रेहटी के व्यापारी एवं नगरवासियों द्वारा मंगलवार को एक ज्ञापन रेहटी तहसीलदार आरएल बागरी को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पूर्व में रेहटी हाट बाजार होली टेकरा से लेकर हनुमान चौक में लगता था, जो विगत दिनों से गांधी चौक के तंग गलियों में लग रहा है, वापस बाजार को हनुमान चौक में विस्थापित करने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पूर्व व्यापारी नगर के हनुमान चौक में एकत्रित हुए, पैदल रेहटी तहसील कार्यालय पहुंचे और रेहटी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बाजार के विषय में चर्चा की। रेहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। पुलिस को लेटर दिया था नगर पंचायत में, नगर पंचायत ने पहल की थी, लेकिन वो किसी कारण बस छत से नहीं हो पाए। अभी ये चाह रहे हैं कि अगर जो मस्जिद के तंगलियों में सब्जी बाजार लग रहा है, वो बाजार को विस्थापित अपन हनुमान चौक होली टेकरा से हनुमान चौक तक व्यवस्थित करते तो शायद हो सकता है दूसरे दुकानदार सब्जी मार्केट के साथ साथ खुद आ जाएंगे। ठीक है, सहयोग करेंगे तो हो जाएगा, दो चार लोग नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो दो तीन लोग ही है सर। अपन पहले तो यही चाह रहे थे कि सबके सहयोग से हो जाए, क्यों बना तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब नहीं मानेंगे तो थोड़ा सख्ती भी करनी पड़ेगी। चलिए मैं कल आता हूँ। क्या है कि पूरी समस्या का पिछली बार हमने करवाया था, सख्ती नहीं हुआ, नहीं वो तो लग गई थी, मगर कुछ बाजार कुछ लोगों ने दो तीन लोगों ने दुकान नहीं लगाई, हमने लगा रहे, हम अवेला करी बकरी अवज्ञा करी कि हम दुकान ही नहीं लगा रहे, इस कारण हमने किसी वजह से नहीं लगा। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।